सागर विधानसभा से लगातार तीन बार से भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने सागर जिले को उपेक्षित बताया। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि सागर जिले में ऐसी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई है जो आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुई। वह घटना है सागर जिले को पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है और जब से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ पहली बार तीन तीन कैबिनेट मंत्रियों की सागर जिले को सौगात मिली है। यह बयान उस वक्त का है जब कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री पद लेने के बाद पहली बार सागर आगमन हुआ था। स्वागत उद्बोधन के दौरान सागर विधायक शैलेंद्र जैन का यह बयान सामने आया था। हाँ, सागर विधायक शैलेंद्र जैन का सागर जिले को उपेक्षित कहना सही भी है क्योंकि पहले से दो दो मंत्री होने के बावजूद भी सागर में बेरोजगारी, इलाज में कमी, खराब सड़कें, भ्रष्टाचार जैसी तमाम समस्याएं हमेशा से बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी चुनौती अपराधों को कम करने की है, तो सवाल ये उठता है कि सागर जिले के उपेक्षित होने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सागर का वह मतदाता जिम्मेदार है जिसने किसी उम्मीद से इतने वर्षों से आपसे नाता जोड़े रखा, या हम सागरवासी उपेक्षित रहने को अपनी नियति मानकर चुप रहे? सागर लोकसभा सीट पर पिछले छह चुनाव से बीजेपी का ही कब्जा है। कांग्रेस को आखिरी बार इस सीट पर जीत 1991 में मिली थी। तब कांग्रेस के आनंद अहिरवार ने बीजेपी के रामप्रसाद अहिरवार को हराया था। 1996 से अब तक यहां भाजपा काबिज है। एक ऐसी राजनीतिक महत्वपूर्ण घटना हुई है जो आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुई। वो घटना है कि सागर जिले जैसे उपेक्षित जिले को पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है और जब से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है पहली बार एक साथ तीन तीन कैबिनेट मंत्रियों की सौगात मिली है। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दीदी, अभी गोविंद सिंह राजपूत जी के प्रथम आगमन पर सागर विधायक सुरेंद्र ने एक मतलब उद्बोधन में सागर को उपेक्षित बताया, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, उपेक्षित शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया है, मैं एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंत्री और सागर चूंकि संभागीय मुख्यालय है और इस संभागीय मुख्यालय में पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, महापौर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का है। सरकार आपकी, जनप्रतिनिधि आपके, उसके बाद अगर आप सागर को उपेक्षित कह रहे हैं तो ये उंगली आप सरकार पर उठा रहे हैं, अपने आप पर उठा रहे हैं या जनता पर उठा रहे हैं? सागर अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उपेक्षित है तो इसके लिए सीधे तौर पर आप सब जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है, आपके सांसद, विधायक, मंत्री और महापौर जिम्मेदार हैं। पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।